बहुत प्यारे बच्चों, वेलकम टू सेंट जोसेफ्स अकेडमीज ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपकी हिंदी टीचर डॉली वर्मा कक्षा वन के आपके विषय हिंदी व्याकरण के रिवीजन टू का अभ्यास कराऊंगी। तो आइए अब हम विस्तार से इस रिवीजन को पढ़ेंगे और समझेंगे और अपनी हिंदी पल्लव कॉपी में लिखेंगे भी। तो आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, ई की मात्रा वाले दो शब्द बताइए। ई की मात्रा वाले दो शब्द जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो हैं चिड़िया और किताब। इसके अलावा भी अगर आपको ई की मात्रा वाले अन्य अक्षर आते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। यह है हमारा प्रश्न दो। नीचे दिए गए शब्दों से स्वर अलग करके गोले में लिखिए। नीचे शब्द लिखे हुए हैं, हमें उनमें से स्वरों को पहचानना है और दिए हुए जगह पर स्थान पर लिख देना है। पहला शब्द है आज। आज में स्वर है आ, तो हमने उसको साइड में ब्रैकेट में लिख दिया। दूसरा शब्द है ऐनक, ऐसे ऐनक, तो हमने ए को ब्रैकेट में लिख दिया। तीसरा शब्द है औरत, इसमें स्वर है औ और औ को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। चौथा शब्द है उनका, इसमें उ स्वर है इसीलिए उ को हमने बराबर में लिख दिया। हमारा तीसरा प्रश्न है, खाली स्थान में ड और ध का उचित प्रयोग करके शब्द बनाइए। पहला शब्द है बढ़ई। बढ़ई को बनाने के लिए बीच में जो उचित शब्द हमें लिखना है वो है ढ। दूसरा है पढ़ना, इसमें भी खाली स्थान में हम ढ ही लिखेंगे। तीसरा शब्द है कढ़ाई, इसमें हम खाली स्थान में ढ ही लिखेंगे। चौथा शब्द है पहाड़, इसमें हम खाली जगह पर ड लिखेंगे। पांचवा शब्द है खिड़की, इसमें भी खाली स्थान में ड लिखेंगे। और छठा शब्द है दौड़ना, इसमें भी खाली स्थान में ड ही आएगा। हमारा चौथा प्रश्न है, शब्दों के समूह को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। किताब मैं हूँ पढ़ता, यहाँ पर सारे शब्द उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं। हमें हर शब्द को उसके सही स्थान पर रखकर एक उचित वाक्य बनाना है। अब इन शब्दों को अगर हम सही जगह पर लिखें तो वाक्य बनेगा, मैं किताब पढ़ता हूँ। खाओ खाना लता, इसमें भी सारे शब्द आगे पीछे लिखे हुए हैं। अब अगर हम हर शब्द को उसके सही स्थान पर लिखें तो वाक्य बनेगा, लता खाना खाओ। नंबर थ्री, चाहिए बोलना सदा सत्य, इसको अगर हम सही स्थान पर लिखें, सारे शब्दों को उनके उचित जगह पर लिखें तो सही वाक्य बनेगा, सदा सत्य बोलना चाहिए। प्रश्न पांच, शब्दों पर उचित मात्रा लगाइए। कोयल, क में ओ की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा कोयल। किताब, क पर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा किताब। सहेली, ह पर ए की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा सहेली। आजादी, ज पर आ की मात्रा लगेगी तो ये बनेगा आजादी। वृक्ष, व के नीचे र लगाएंगे तो ये बनेगा वृक्ष। भूख, भ के नीचे उ की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा भूख। चित्रों के नीचे सही नाम लिखिए। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और आधा नाम भी लिखा हुआ है, हमें सही वर्ण को चुनकर उस नाम को पूरा करना है।
पहला चित्र है आम का, फलों का राजा आम। म पहले से लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आ, आम आम। दूसरा चित्र है औरत का, र और त पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पर हम औ लिखेंगे तो ये बन जाएगा औरत। तीसरा चित्र है छतरी का, त और री यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पर हम वर्ण लिखेंगे छ और ये बन जाएगा छतरी। चौथा है थर्मस, यहाँ पर थ वर्ण लगाएंगे तो ये बन जाएगा थर्मस। अब बारी है गृह कार्य की। गृह कार्य में हम इन सारे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इन सबको ऐसे ही सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी पल्लव कॉपी में लिखेंगे। तो ये था हमारा आज का अभ्यास 2।